Hello students, I am fine. I hope you are also fine. I will teach you today find the rate. Before it, I have described the simple interest कैसे find करते हैं, फिर amount कैसे find करते हैं, ये मैंने formula आपको पहले से भी बताई थी, write भी कराए थे, कुछ sums भी आपको solve करने को दिए थे, कुछ मैंने solve करके आपको दिखाए भी थे। इसके बाद आपको हमने टाइम बताया कि टाइम कैसे फाइंड करते हैं, बट आई टीच यू टुडे फाइंड द रेट कि रेट कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो ये है, आपको रेट फाइंड करना है, यहाँ पे लिखा आपने रेट। अब रेट फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऐड कीजिए आप एस आई इंटू 100 पी इंटू पी। एस आई सिंपल इंटरेस्ट, 100 P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइम। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे 1100 इंटू 100 P प्रिंसिपल 8250 इंटू 2। जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से ये डिवाइड करेंगे, 2 बन गया और 2 5 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 1 5 1 5 6 5 5। अब ये आपका ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 1 11 11 5 55 11 1 0 0। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 5 2 10 0। यहाँ पर आया आपका 20, यहाँ पर आया 3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 2 यानी कि 6 whole 2/3% यहाँ पर PA मीन्स पर एनम। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं एज इट इज। क्वेश्चन नंबर सबसे फर्स्ट, इसके लिए हम राइट करेंगे फार्मूला आर, आर फॉर रेट इक्वल एस आई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। एस आई 975 इंटू 100, पी P फॉर प्रिंसिपल और T फॉर टाइम। टाइम क्या है इसमें, 2 सॉरी यहां पर प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल राइट करेंगे, प्रिंसिपल है 5 2 0 0। अब ये रिसिप्रोकल हो जाएगा आपका इंटू 2 और 5, ये कैंसिल, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बन गया और ये 2 2 2 6, ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5 5 9 जा 45 5 9 जा 45 2 5 5 जा 25। अब आपका यहाँ पर क्या हुआ 195/26। अब कभी भी नंबर नीचे छोटा राइट नहीं करते, इसके लिए हम डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास प्लेस है तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 195/26। 2 7 is 14 7 times 7 6 is 42 4 carry 7 is 14 18, here is 3 here is 1। यहाँ पे ऐड करेंगे आप 7 whole 13/26, ये आपका कैंसिल हो रहा है, 13 1 जा 13 2 जा, यानी कि 7 whole 1/2% per annum। ओके okay।